एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत सालों के इंतजार के बाद हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी के मैकडॉनल्ड्स के ब्रांच में, जो कि नया खुला है। वी हैव बीन एक्सप्लोरिंग मैकडॉनल्ड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं बहुत सारी जगह में मैकडॉनल्ड्स ट्राई कर चुकी हूँ, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। सो अभी गुवाहाटी का ये ब्रांच में हम लोग जाएंगे और ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी दिखाते चलेंगे कैसा है यहाँ का खाना और लेआउट वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये गुवाहाटी सिटी का गणेशगुरी एरिया है, मार्केट प्लेस है। और इस मार्केट एरिया में मैं आ रही हूँ कि यहाँ पे दो एंट्रेंसेस है मैकडॉनल्ड्स के। एक तो बैक साइड है, ये बैक साइड है। यहाँ पे पार्किंग के काफ़ी जगह थे, सो मैं इधर आ गई और मैंने गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया। ये बैक एंट्रेंस है और एक फ्रंट एंट्रेंस है। हम गाड़ी को यहाँ पे रोके, ये फ्रंट एंट्रेंस है, ये है ब्रिज के पास, गणेशगुरी ब्रिज के पास से है। सो यहाँ से मैं एंटर कर रही हूँ और यहाँ से फिर मैं सीधा जाऊँगी मेरा ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ऑर्डर प्लेस करने के ऐसे स्क्रीन है, स्टार्ट योर ऑर्डर एंड देन यू गो टू द मेन्यू, जहाँ पे आप बर्गर सेक्शन में बर्गर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिया है मैक स्पाइस बर्गर और एक मैंने लिया है बटर चिकन बर्गर एंड इसको मैंने ऐड टू कार्ट किया है। फिर यहाँ से हम लोग लेंगे फ्राइज सेक्शन में मैंने लिया है चीज़ी फ्राइज एक और एक स्मॉल फ्राइज जो कि नॉर्मल फ्राइज होता है वो लिया है। एंड प्लस मैंने इसमें चिकन नगेट्स भी ऑर्डर किया है। चिकन नगेट्स के भी क्वाइट वेराइटी है, तीन टाइप के हैं, 9 पीस, 20 पीस एंड 6 पीस का। सो मैंने 6 पीस वाला लिया है। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू द डिज़र्ट सेक्शन। डिज़र्ट सेक्शन में मैंने मैकफ्लरी लिया है और एक कॉफ़ी लिया है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। मैं एक बार अपना ऑर्डर चेक कर लेती हूँ एंड दिस इज़ द ऑर्डर। सो मुझे एक हैप्पी मील भी लेना था मेरे बेटे के लिए, लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट शोइंग। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे पेमेंट करके मैं काउंटर में जाके हैप्पी मील लूँगी। सो मैंने फिर कार्ड से यहाँ पे पेमेंट किया, पेमेंट करके फिर आप लोग अपने टेबल तक जा सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला है कि मुझे हैप्पी मील नहीं मिला वहाँ पे, सो मैं काउंटर में आ गई हूँ और हैप्पी मील का यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है। चिकन मैग्रिल है, आलू टिक्की है। सो मैंने सोचा कि एक आलू टिक्की का ले लेती हूँ। सो मैंने एक आलू टिक्की हैप्पी मील का ऑर्डर किया है। सो ये जो मैंने हैप्पी मील लिया है इसका पेमेंट मैंने सेपरेटली यहाँ पे कर दिया है, बिकॉज इट वॉज नॉट शोइंग द स्क्रीन, सो आई कुड नॉट मेक द पेमेंट, नाइदर आई कुड मे प्लेस द ऑर्डर। सो यहाँ से मैं सीधा ऊपर जा रही हूँ। ऊपर में भी बैठने का जगह है और नीचे में भी है, यू कैन टेक एनी ऑप्शन। आई एम टेकिंग द ऑप्शन अपस्टेयर्स। लेट्स गो अप एंड सी how the layout looks like. ड्रिंक्स आप लोग के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने कोक लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा ऑर्डर लिया ही है। एंड ये पाइनएप्पल टिटबिट है एंड देन देयर इज अ आलू टिक्की बर्गर। दिस इज अ आलू टिक्की बर्गर विच इज़ इनसाइड दिस बॉक्स। और यहाँ पे एक टॉय रहता है, मैंने पहले हम लोग जब भी हैप्पी मील लेते थे बच्चों को ये पसंद आता है, एक टॉय आता है। लेकिन आज मुझे यहाँ पे तो एक बुक मिला है, दिखाती हूँ आप लोगों को ये क्या है। तो इसमें आई कैन बी अ क्यूरियस साइंटिस्ट, सो बच्चों के लिए कुछ ऐसा बुक, समथिंग यू नो दैट अट्रैक्ट्स देम। तो कुछ ऐसा होता है हैप्पी मील का बॉक्स में, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक द हैप्पी मील। और सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है आलू टिक्की वाला बर्गर जो हैप्पी मील के साथ होता है एंड सो बेसिकली नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर। So this is the order that I had placed in the screen downstairs. वो भी अभी आ गया है। Finally after a wait which is about 10 minutes मेरा खाना पहुँचा है टेबल में and they serve it on the table। और अगर आप लोग अगर खुद भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं। So I had ordered for a small fries, एक cheesy fries लिया था मैंने, एक chicken mac nuggets लिया है जिसमें 6 pieces हैं, then I have taken बटर चिकन ग्रेवी
ये चिकन ग्रिल बर्गर, और इसके साथ मैंने और एक लिया है, दिस इज़ मैक्स स्पाइसी चिकन. दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन वन जो लोगों को बहुत पसंद आता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. मैंने मैक फ्लरी एक लिया है एंड अलॉन्ग विथ इट अ कॉफ़ी. सो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ. अभी खा के मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसा है. ग्रेवी इनसाइड, तो जब आप खाते हैं ना तो ये निकल के आता है. आई हैव ट्राइड द सेम बर्गर इन दिल्ली. इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, काफ़ी अलग है एक्चुअली, लेकिन ख़राब नहीं है. आई हैव लाइक द मैक स्पाइस वन इन बटर चिकन. सो आप भी आइएगा तो ट्राई कीजिएगा. मैं ये नहीं बोलती कि नहीं ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला पसंद है, टाइप का जूसी टाइप का, तो ये वाला अच्छा है. लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आई वुड प्रेफर द फिश टिक्का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन यहाँ पे इस ब्रंच में तो अभी नहीं है फिलहाल. तो मे बी फिश टिक्के आएगा बाद में, आई विल ट्राई टू इट. एंड जो चिकन नगेट्स था मैंने आप लोगों को दिखाया था, चिकन नगेट्स भी क्रिस्पी नहीं है. जैसे हम लोग बाहर खाते हैं इट्स वेरी क्रिस्पी जूसी फ्रॉम इनसाइड, ये इनसाइड इट इज़ जूसी बट क्रिस्पी नहीं है बाहर से. बट द मस्टर्ड सॉस वॉज एक्सेलेंट, वो द सेम नाइस जो मैंने अभी नोटिस किया है यहाँ पे. जैसे मैकफ्लरीज भी थी, मैकफ्लरीज इज ऑल्सो गुड. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सेम सिमिलर टेस्ट, डिप्स का सिमिलर टेस्ट है. लेकिन जो पैटी बर्गर का जो पैटी है उसका टेस्ट थोड़ा अलग है. सिंस अभी स्कूल के छुट्टियों का टाइम है तो आप लोग बच्चों को लेके आ सकते हैं. ख़राब नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी ख़राब है, इट इज़ गुड बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ वॉट वी हैव आउटसाइड दिल्ली या अब्रॉड. अब्रॉड में तो काफ़ी अच्छे होते हैं मैकडॉनल्ड्स के जो आउटलेट्स होते हैं. सो लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद पार्टी में मैकडॉनल्ड्स आया है, तो ज़रूर आइएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा एंड आप खुद भी खा के देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा लगा. एंड ऑन दिस नोट आई विल साइन आउट फॉर टुडे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइंड प्लीज डू नॉट गो ओवर प्रेसिंग द लाइक बटन एंड शेयर. एंड इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे विद अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.